आज अंतिम दिवस है, भगवान यार हमारी परीक्षा ले रहे थे आज, फिर बारिश होती है, लेकिन पीला साल आप गया, फिर भी व्यवस्था ठीक हो गई है, राम भक्ति चालीस का ज्ञान में कामया है, कि संति प्राप्ति संति कृपा से ही होती है, तो हमारे पास बड़े संतों की कृपा है, हमारे सहयोग है, इसके साथ साथ हमारे अच्छा डॉक्टर संगाजी बिरला हम बाबू की है, मानी बिरला का अपार सहयोग सानिध्य हमें मिलता रहा है, हम अपने अध्यक्ष से प्रार्थना करेंगे कि आज इस अवसर पर हमें अपना संबोधन दें। आज वरुण देवता की कृपा होने से हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, पर यहाँ भी ठीक ही हो गया है। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर हम दोनों आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए नव वर्ष की मंगल कामना करते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि लक्ष्मीनारायण मंदिर के मनोरम शाम तथा पवित्र प्रांगण में शिव स्वामी जी जैसे प्रखर धर्म विद्या का 9 दिनों तक आनंदमय सानिध्य रहा। क्योंकि श्री स्वामी जी की वाणी इतनी सरल सरल एवं मधुर है, इतनी सार्थक है, वाणी का महत्व और भी बढ़ जाता है जब वह सुनने वाले के हृदय में सुगमता से प्रकट कर गए। श्री स्वामी जी में यह गुण भरपूर है। श्री स्वामी जी ने जब नृत्य किया तो सर्वप्रथम स्वामी श्री गोपीराम जी बाबा के आश्रम में आए तथा लगभग 3 वर्षों तक उनके संग रहे। क्योंकि श्री स्वामी जी को उनसे उत्तम मार्गदर्शन मिलता रहा, वेदांत का गहन अध्ययन भी उनके संरक्षण में ही किया। उनके स्वामी श्री दीक्षा ने श्री पंडित रामकृष्ण के उपाध्याय के लिए नए भाषण रहे हैं और उनकी कथा शैली को हृदयंगम किया है। मुझे पंडित जी की हम लोगों पर भी अतीत कृपा थी। उस पवित्र प्रांगण में उन्होंने लगातार कई वर्षों तक प्रवचन दिए। आप उपस्थित श्रोताओं श्रोतालय में भी बहुत लोगों ने उन्हें सुना होगा। मुझे श्री स्वामी जी 1982 में परम पूज्य अगम श्री स्वामी अखंडानंद महाराज के सानिध्य में आए तथा इनके अध्यात्म एवं वेद शास्त्र की शिक्षा पूज्य महाराज श्री के संरक्षण में पूर्ण हुई। पूज्य श्री महाराज श्री की कृपा तो हम दोनों पर इतनी थी कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। उनका आशीर्वाद हम दोनों को आज भी निरंतर मिल रहा है। यह हमारे पूर्व जन्म के संचित पुण्य है जो इतने बड़े संत का हमें आशीर्वाद मिला। स्वामी श्री दीक्षा ने भी विगत 10 वर्षों से श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के प्रांगण में अपने अमृतवाणी के भक्ति रस की सरिता प्रवाहित करते आ रहे हैं। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने सितंबर 2009 में मुंगेर स्थित रिकिया आश्रम के स्वामी श्री सत्यानंद जी से संन्यास ग्रहण किया तथा संन्यास विधिकारी स्वामी सत्यानंद जी के उत्तराधिकारी स्वामी श्री विवेकानंद के द्वारा जबलपुर में नर्मदा नदी के पावन तट पर 12 से 14 नवंबर में संपन्न हुआ। हमारे पूज्य श्री काको जी श्री घनश्यामदास जी बिरला का भी आज शुभ जन्मदिन है। पूज्य काको जी ने भी यहाँ कई बार प्रवच कर किया तथा प्रवचन का आनंद लिया। इतनी तन्मयता से भक्ति रस का आनंद लेते थे कि हम लोग तथा सारे श्रोतागण देखकर मुग्ध हो जाते थे। हम दोनों नतमस्तक होकर पूज्य श्री काको जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं। स्वामी श्री भीमसेन की सरस्वती ने नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से प्रभु दर्शन के अनुभूति से प्रासंगिकता का बड़ा ही विलक्षण वर्णन किया है। साधना ज्ञान तथा
भक्ति में सामंजस्य स्थापित कर उसी श्री स्वामी ने हमें बताया ईश्वर से जुड़कर रहने से ही जीवन में शांति रहती है और तथा विशेष रूप से क्या भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब पर अपनी असीम कृपा से वर्षा करते हैं और हम सब हर हर के मार्ग पर चलते रहते हैं अर्थात पूज्य श्री स्वामी से संत का सब हमें हमेशा मिलता है। प्रवचन के इस सत्र को सफल बनाने के लिए श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के अनुसार पर श्री विनोद जी मिश्रा को हमारा धन्यवाद। जयशी के श्री एस एस देवता इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लिए हैं तथा काफ़ी कुशलता से संभाल रखे हैं वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। प्रचार माध्यम में सहयोग के लिए नई दुनिया के डॉक्टर गोविंद वल्लभ जोशी तथा आरोप होगा एवं अमर उजाला से अनुज वाजपेयी तथा राजू माहेश्वरी के हम अत्यंत आभार हैं। सिख सेवक व्यवस्था के सभी कार्यकर्ताओं का हम विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे जो प्रारंभिक वर्षों से ही श्रद्धालु श्रोताओं की सेवा निस्वार्थ भाव से करते आ रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर भी बैठने की व्यवस्था है, नीचे स्थान नहीं है, वो लोग ऊपर आराम से जा सकते हैं और ऊपर से सत्संग का लाभ ले सकते हैं। Satchidananda Rupa
देवर्षि नारद ने हमारे आपके जीवन के आनंद के लिए, सुख के लिए जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, भक्ति सूत्रों की रचना की। और सूत्र का अर्थ ही होता है जो बहुत बड़ी वस्तु को अत्यंत संक्षेप में कह दे। हमारे जोशी जी यहाँ बैठे हैं, गोविंद वल्लभ जोशी जी, जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन वृंदावन में किया है, और मेरे को बड़ी खुशी है कि वो संस्कृत के अच्छे विद्वान होते हुए भी पत्रकारिता के क्षेत्र में है, और इसलिए बहुत सुंदर, इतना सुंदर किसी भी, बुरा मत मानिएगा, प्रवचन का इतना सुंदर लेखन किसी भी पत्रकार में अभी तक मैंने नहीं देखा है जैसा जोशी जी लिखते यहाँ बैठे हैं। बड़ी खुशी की बात है ऐसे लोग अगर इसमें आवें। एक बार पूज्य रामकिंकर जी महाराज बता रहे थे, कानपुर में प्रतिवर्ष उनके प्रवचन होते थे, और काल नेमी और हनुमान जी के प्रसंग पर वो कुछ बोल रहे थे। काल नेमी को पूज्य रामकिंकर जी महाराज ने दंभ का प्रतीक बताया। वो जो रिपोर्टर गए थे वहां, वो शायद अध्यात्म क्षेत्र से अनभिज्ञ रहे होंगे, और अगले दिन उन्होंने पत्र में जो हेडिंग लिखी उसमें लिखा था कि हनुमान जी को दंभ हो गया। इतना आश्चर्य हुआ, कितने लोगों के फोन आने लग गए। मैं वहीं था कानपुर में उस समय, बजरंग किंकर जी महाराज के पास, और अगले दिन फिर वो पत्र में पुनः निकालना पड़ा। नरेंद्र मोहन जी स्वयं आए रामकिंकर जी महाराज के पास, बोले हमारे रिपोर्टर की गलती है, और अगले दिन फिर पत्र में निकाल